आज मैं बात करूंगा गाड़ियों के सर्विस रिलेटेड बिजनेस की। गाड़ियों का मतलब कि टू व्हीलर, बाइक, स्कूटी, फोर व्हीलर, ये सब का सर्विस स्टेशन आप कैसे खोलें। अब आपको एक आपके पास खुद की जगह है अगर, तो आप उसमें सर्विस स्टेशन गाड़ियों का आप खोल सकते हैं। अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप किराए की जगह भी लेकर के खोल सकते हैं। वहाँ पे आपको पानी का टैंक बनाना पड़ेगा, पानी स्टोर करना पड़ेगा जहाँ पे पानी के ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ हो। तो ये बिज़नेस क्या है कि कभी लॉस में आपका जाने वाला बिज़नेस नहीं है। तो इसमें आप क्या है कि टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों गाड़ियों की आप सर्विस स्टेशन खोल सकते हैं। टू व्हीलर जो गाड़ियाँ होती हैं वो 100 रुपये से ले करके 200-300 रुपया पर गाड़ी चार्ज करते हैं। पहले 100 रुपये लेते थे गांव वगैरह में, अभी तो मैं देखता हूँ कि 200 रुपये लोग लेते हैं, 200-300। मान लो आप 200 रुपये भी टू व्हीलर गाड़ियों का एक सर्विस चार्ज लेते हैं, तो आपने दिन भर में अगर 10 गाड़ी धुली तो हो गया 2,000 रुपये डेली। अब आइए फोर व्हीलर की बात करता हूँ। फोर व्हीलर का जो है गाड़ी वो 500, 600, 800, 1,000, 1,200, जो जहाँ जैसा सिटी है, गांव है, उस हिसाब से रेट है। तो आपने उसमें भी आप 10 गाड़ी जोड़ लीजिए। मान लीजिए आपने 800 रुपये के हिसाब से ली तो आपका 8,000 रुपया हो गया। तो 8,000 रुपया बड़े गाड़ियों का और 2,000 छोटे गाड़ी को, 10,000 रुपये डेली आपका प्रॉफिट। अब इसमें आप खर्चे आप जोड़ लीजिए। खर्चों में आप मान लीजिए 2-3 लोग आप रखेंगे तो 10,000 का 3 लाख रुपया महीना हुआ। तो आप उसमें जो खर्चे हैं, किराया है या आपकी खुद की जगह है, वो आप 1 लाख रुपए मान लीजिए। किराया प्लस स्टाफ का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी, इससे ज़्यादा नहीं आएगा आपका, तब भी आपको 2 लाख बच रहे हैं। ये मैं मोटा मोटा आपको हिसाब बता रहा हूँ। अब आइए दूसरे चीज़ों की बातें कर रहे हैं। सर्विस स्टेशन के साथ साथ आप लुब्रिकेंट ऑयल भी रख सकते हैं। आता है, गाड़ियाँ आती हैं, लोग लुब्रिकेंट ऑयल चेंज कराते हैं, लेते हैं। गाड़ी एक मैकेनिक रख लीजिए टू व्हीलर फोर व्हीलर का, ऑटो पार्ट्स का एक छोटा सा सेक्शन रख लीजिए। जो भी ज़रूरी सामान लगते हैं टू व्हीलर या फोर व्हीलर में वो आप रख लीजिए। तो ये सब छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने स्टार्टिंग में आपके पास पैसा उतना नहीं है, तो ये जो सर्विस स्टेशन है ये 1.5 लाख से लेके 5 लाख, 10 लाख तक जाता है, खुल जाता है। और इसके फॉर एवर बिजनेस है। लोग, मैंने देखा है छोटे शहरों से लेकर के, गांव से लेके बड़े शहरों तक, लोग लाइन में खड़े रहते हैं अपने सर्विस गाड़ी की सर्विस कराने के इंतज़ार में। गाड़ी धुलाई करने के लिए, सर्विसिंग तो एक अलग हो गया। लोग, बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं, आप धुलाई कर दो, उसका भी लोग चार्ज लेते हैं 100 रुपया, 150 रुपया। और जो फुल सर्विस कराते हैं, जैसे ऑयल चेंज करना हुआ, गाड़ी धुलना हुआ, ऑटो पार्ट्स का जो सामान है वो चेंज करना हुआ, 1 या 2 मैकेनिक रखना पड़ेगा आपको, उसकी तो आप कमाई की बात ही छोड़ दीजिए। बहुत अच्छी इनकम है उसमें। देखिए, जो सर्विस स्टेशन पहली बात तो खोला आपने, वो नुकसान नहीं जाएगा। गाड़ियाँ आएंगी, धुलेंगी, उससे पैसा आएगा। ना उसका एक्सपायरी डेट से मतलब है, ना उसको किसी किसी चीज़ से खतरा है। गाड़ियाँ आएंगी, धुलना है आपको। ऑयल, लुब्रिकेंट ऑयल चेंज करेंगे आप, वो भी ख़राब नहीं होता, ना चूहे काटते, वो भी आपका चलेगा अच्छा खासा। अच्छे क्वालिटी का ऑयल रखिए। ऑटो पार्ट्स जितना आपके पास बजट है, जो ज़रूरी सामान है, ऑटो पार्ट्स के तो बहुत रेंज है, पर जो जो ज़रूरी सामान है जो सर्विस में लगता है वो आप रख लीजिए उसको, उससे अलग पैसे आपको मिलेंगे। तो कहने का मतलब कि आपने अगर एक सर्विस स्टेशन खोला तो आपकी कमाई 3 से लेके 4 जगह से हो रही है। धुलाई, सर्विसिंग, ऑयल चेंज, ऑटो पार्ट्स रिप्लेसमेंट जो भी खराब है, फिर आपके पास और, आपके पास थोड़ा सा लगता है कि हाँ मैं और इसमें खर्च करूँ, आप उसमें टायर का भी सेक्शन रख सकते हैं, नए टायर। फिर आपके पास लगता है कि मैं और खर्च कर सकता हूँ, एक छोटा सा
बैटरी भी रख सकते हैं काउंटर। तो कहने का मतलब कि ये पूरा बड़ा सा छोटे से लेके बड़ा तक आपका ये सर्विस पॉइंट खुल सकता है अगर आप। और इसमें एक बहुत बड़ी एक चीज़ है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप सिर्फ वॉशिंग जो होता है कार का, धुलाई का, सिर्फ वो रख सके शुरू कर सकते हैं। फिर आपके पास पैसा आता जाए, आपका दिमाग खुद डेवलप करेगा, ये रख लीजिए वो रख लेंगे, वो डिपेंड करता है, हर चीज़ पैसे से होती है, बिना पैसे के कुछ नहीं होता है। तो जितनी पूंजी उतना लाभ, ये आप मान के चलिए। आपके पास कितना पैसा है, कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उस हिसाब से ये सब सारे धंधे होते हैं। मेरा कहने का मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि आपको 25-50 लाख लगाना है, ये काम 1.5-2 लाख से शुरू हो करके इसका कोई एंड नहीं है। 5 लाख 10 लाख 20 लाख जो जितना आप करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। और एक चीज़ मैं बताऊं, ये बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जो कि फॉरएवर बिज़नेस है, ना इसमें कोई नुकसान होना है, ना बंद का चक्कर है कि बंद हो रहा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा मुझे बंद करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप काम खुद भी कर सकते हैं, आप आदमी रख कर के भी कर सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं आने की। अगर आपके पास पैसा अच्छा है तो आप इन्वेस्ट करके आप उसको सर्विस स्टेशन खोल सकते हैं, स्टाफ रख करके आप एक अच्छा सा नाम रखिए अपने सर्विस स्टेशन का, आप ये काम शुरू कर सकते हैं। आपके पास बहुत अच्छे पैसे हैं, आप अच्छा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उसमें CCTV लगा दीजिए, अपने आप दूसरे काम के साथ साथ ये काम भी शुरू कर चालू रहेगा आपका। जो भी आप CCTV में देख सकते हैं मेरे यहाँ पे क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है या कोई लापरवाही तो कस्टमर के साथ नहीं कर रहा है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो बड़े बड़े शोरूम हैं, जैसे कि मारुति के हो गए सर्विस स्टेशन, रेनो के हो गए, मर्सिडीज़ के हो गए, BMW के हो गए, और बहुत सी हुंडई के हो गए, बहुत से गाड़ियों के हैं सर्विस स्टेशन। इनका जो धंधा होता है, एक तो गाड़ियों के बेचने के साथ साथ ये काम करते हैं, गाड़ियों में उनको बेचने में उतना प्रॉफिट नहीं होता है जितना उनका वर्कशॉप से प्रॉफिट आता है। आप अक्सर देखा होगा आपने, गाड़ियां उनके पास लाइन से रहती हैं, तो वो बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, डेंटिंग पेंटिंग भी करते हैं, उसमें वर्कशॉप के अलावा और भी बहुत काम करते हैं, एसेसरीज बेचते हैं। आप अपने यहाँ पे एसेसरीज भी रख सकते हैं, पता नहीं क्या क्या रख सकते हैं, मेरे को जितना ध्यान में आ रहा है मैं बोलता जा रहा हूँ, पर ये बहुत बड़ा सेक्टर है और इसमें आपका नुकसान कभी नहीं होगा। एसेसरीज मैं भूल गया था, एसेसरीज भी बहुत मार्जिन से बिकता है। और एक चीज़ मैं बताऊँ, और जो सेकेंड हैंड जो यूज्ड ऑटो पार्ट्स के जो सामान होते हैं और एसेसरी होती हैं, उसकी भी अलग बहुत बड़ी मार्केट है। मान लीजिए कोई सामान 1,000 रुपया 10,000 रुपये का कोई पार्ट्स या सामान है, कस्टमर कभी कभी बोलते हैं मेरे को सेकंड का दे दो, जो यूज़ किया हुआ है उसको साफ़ सुथरा लोग करके दे देते, जो गाड़ियाँ स्क्रैप होती हैं वहाँ से निकाल के वो लोग ला करके अपने यहाँ बेचते हैं। उसका कॉन्टेक्ट नंबर रखिए आप, कस्टमर बोलता है कि आप मेरे को ये सामान आप यूज्ड वाला डाल दीजिए जो कि मुझे सस्ता पड़ेगा, आधा पौने में पड़ जाएगा, तुरंत आप फ़ोन करिए आ जाएगा। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, मुंबई की, दिल्ली की, हरियाणा की, पूना की। तो मेरा कहने का मतलब कि ये सेक्टर जो सर्विस स्टेशन प्लस वर्कशॉप प्लस ये जो मैंने आपको और एसेसरी ऑटो पार्ट रखने का, सर्विस स्टेशन जब आप खोलेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। आपके पास जितना बजट है उस पे आप काम करिए, उतना आप खोलिए। ज़रूरी नहीं है कि आप जितना मैंने बोला सब एक साथ खोल लीजिए, धीरे धीरे आप जितना आपके पास पूंजी उतना काम होता रहेगा। तो ये मेरा वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, जिसके पास कम पूंजी है या जिसके पास ज़्यादा पूंजी है, ये दोनों के लिए है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको जो सर्विस स्टेशन है उसके जो इक्विपमेंट कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, सस्ते मिलेंगे, इत्तेफाक से वो भी मेरे क्लाइंट हैं, मेरा लुब्रिकेंट का जैसे बिजनेस है तो वो भी मेरे क्लाइंट्स हैं, वो ऑल इंडिया वो
सर्विस स्टेशन इंस्टॉल करते हैं। जब आप बताएंगे कि मेरा इंट्रोडक्शन देंगे मेरे वजह से, तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। उसी तरह से मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, या आप मेरे को ज्वाइन करेंगे सबसे बेहतर होगा, आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए, मेरे मेंबरशिप चैनल को अगर ज्वाइन करेंगे तो मेरा इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ता है उसमें, क्योंकि उसमें वही लोग आते हैं जिनका वाकई में इंटरेस्ट हो। बहुत छोटी सी नॉमिनल फीस होती है उसकी, वो आपको पेड करना पड़ता है, वो मंथली पैसा होता है। उस पर क्या होता है कि मुझे मालूम चल जाता है कि मुझे ये कस्टमर बहुत सीरियस है, तो उससे मैं चैट भी करूँगा, उसको मैं एड्रेस भी दूंगा, यहाँ से माल लो, यहाँ से सर्विस स्टेशन के ये इक्विपमेंट लो, यहाँ से ऑटो पार्ट्स का सामान लो, यहाँ पे टायर का लो, यहाँ बैटरी का लो, बहुत से मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है जहाँ पे रिजनेबल रेट पे सामान मिलते हैं। उनके कॉन्टेक्ट नंबर मैं दूंगा आपको, आप उनसे बात करिए, उनसे बिजनेस करिए और मेरा रेफरेंस देंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ये सब आप जो मेरा जो मेंबरशिप चैनल है, चैनल मेंबरशिप है, उसमें सब्सक्राइब के बगल में वो रहता है ज्वाइन बटन, आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो आप उसके मेंबर्स बन जाएं और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में बेल आइकॉन की जो बटन है उसको दबाएंगे तो अच्छे अच्छे जो वीडियो मैं बनाता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, नहीं तो आपको नहीं आता है। मैंने अक्सर देखा है लोग सब्सक्राइब करते भी हैं लेकिन बेल आइकॉन के बटन नहीं दबाते, तो उनको आता नहीं है। लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक मेरी बातें पहुंचाएं, तो इससे क्या होगा कि आपका ही बिजनेस ग्रोथ बढ़ेगा, आप अपना भी साथ में आपका भी प्रचार होगा कि हाँ मैं ये काम करता हूँ, ये है ये है। तो ये रहा मेरा वीडियो, सर्विस वॉशिंग कार एंड बाइक सर्विस वॉशिंग सेंटर के लिए, साथ में उसके साथ साथ और क्या काम कर सकते हैं उसके लिए वीडियो था। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए और मेरे मेंबर आप बनिए, मेरे चैनल मेंबरशिप बन के मुझे ज्वाइन करिए तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अच्छे तरीके से मिलेगी। अगले वीडियो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।